अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। और हम सबको अपनी दुआ में शामिल रख के और अपना खूब सारा ख्याल रख के, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे उनको दिल से वेलकम, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वेडिंग के सीज़न आने वाली है, बहुत ऐसे घरों में आ चुकी भी होगी। तो वेडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? हल्दी की रस्मों से होती है। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर कोई चाहता है उसके स्किन ग्लो दिखे, स्पॉटलेस फ्री स्किन रहे, चेहरे में ग्लो आए, चेहरे में कोई दाग धब्बा ना रहे। चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, जो मैं वेडिंग में आज बताने वाली हूँ वो दूल्हा दुल्हन दोनों लगा सकती है, और साथ साथ उसके बहन भाई भी लगा सकती है, उसके बेस्ट फ्रेंड लोग भी लगा सकते हैं। क्योंकि शादी तो वो लोग को भी अटेंड करनी होती है, वो लोग को भी चाहते हैं कि खूबसूरत दिखे। तो इसके लिए कि आपको मेरी वीडियो में लास्ट तक बनी रहनी है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। अगर स्किप करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और क्या नहीं। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ईजी सिंपल उपदन कर DIY शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन जाएंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक टिन बोल, उसमें चाहिए बेसन आप ले लें। यहाँ मैं सब कम क्वांटिटी से बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने लेनी है टर्मरिक, वाइल्ड टर्मरिक, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप क्या करो, रोज़ पाउडर भी आप ले सकते हो, मसूर दाल का पाउडर भी आप ले सकते हो, या तो सैंडलवुड का पाउडर भी आप ले सकते हो। इन सबको क्या करना है, आपको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। यहाँ मैंने सब 1 टेबल स्पून लिया है, आप चाहो तो 3 टेबल स्पून करके भी ले सकते हो आप। तो वाइल्ड टर्मरिक मैंने लिया है, और यहाँ मैंने लिया है उपदन पाउडर एल्प्स गुडनेस का। यहाँ मैंने जितना भी जो इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट जो यूज़ किया है वो ज़्यादातर मैंने एल्प्स गुडनेस का ही प्रोडक्ट यूज़ किया है। अगर आपने मेरी पर्पल हॉल वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वहीं सब के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे जितने भी प्रोडक्ट लिंक हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने उपदन पाउडर भी लिया है। इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर देनी है। आप इसमें चाहो तो रोज पाउडर भी ऐड कर सकते हो। ये सबको क्या क्या आप क्या ना मिक्सचर को मिला के आप एक कंटेनर में उसको रख सकते हो, उसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको स्टोर करके आप रख दो। तो इसमें अब हम लेंगे आलमंड ऑयल। मेक श्योर आपका आलमंड ऑयल 100% नेचुरल होना चाहिए। यहाँ मैंने हमदर्द का रोगन बादाम शिरीन आलमंड ऑयल लिया है। आलमंड ऑयल से क्या है, हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, नरिशिंग रहती है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल मैंने यहाँ ऐड करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसके जगह आप मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकती हो, जो बहुत इसे हल्दी फंक्शन जो लोग के रहते हैं वो लोग मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते करते हैं। तो क्या किसी किसी को ना मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता है, तो आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एल्प्स गुडनेस का रोज़ वाटर भी ऐड किया है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप रोज़ वाटर का आप इस्तेमाल करें। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए रोज़ वाटर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने रोज़ वाटर मैंने ऐड किया। आप इतना यूज़ करें जितना में आपका पेस्ट आराम से बन जाए, आपकी उपदन रेडी हो जाए। तो सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करनी है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, पर फाइन पेस्ट जैसा चाहिए हमें। तो ये जो पेस्ट जो बन के रेडी हो गया है, इसे आप स्टोर करके आप रख सकते हो। और यहाँ मैंने और एक क्लीन बोल लिया है। जब आप इसे अप्लाई करने जाओ अपने चेहरे पे या पूरा फुल बॉडी पे, तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ले ले। इसमें आप क्या ऐड करनी है, मिल्क ऐड करनी है, या तो आप मलाई भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मलाई ऐड कर ले, और अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो आप मिल्क ऐड कर ले। और अगर आपके फेस में पिंपल्स है तो आप नीम का पानी भी आप ऐड कर सकते हो। नीम को अच्छा से वॉश कर ले, उसको बॉईल कर ले, उसको ठंडा होने दे, और उसका पानी का आप इस्तेमाल करें। जब आप उपदन यूज़ करने जाओ, आप इस पेस्ट को अपने पूरा फुल बॉडी पे भी आप लगा सकते हो। जरूरी के लिए आप चेहरे पे लगाओ, आप इसे पूरा फुल बॉडी पे भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ मैं भी आप लोगों को अपने हाथों में लगा कर दिखाऊँगी। जब आप लोग नहाने जैसे जा रहे हो, उससे पहले आप क्या इसे लगा लो, या तो आप नहाते वक्त भी आप इसे लगा सकते हो। जब ये ड्राई हो जाए
तब इसको आप क्या करो, वॉश आउट कर लेना। तो ये देखिए मैं अपने हाथ में मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसे तब तक रहने देनी है जब तक ये पूरा ड्राई ना हो जाए पूरे तरीके से। तो इसे अपने पूरा फुल बॉडी पे, अपने चेहरे पे, जहाँ चाहे आप उसे वहाँ लगा सकते हैं आप। तो ये आप देखिए ये सूख कर, ये पूरा सूख चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे, इसमें अच्छे से रब करेंगे अपने स्किन पे। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ना रब नहीं करना, ठीक है। हल्के फिंगर के मदद से आपको इसे क्या करनी है, रब करनी है अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाए तब ज़रूरी है कि हाँ इतना मिनट तक रखना है। जब आप देख लो ये आपका ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, तब आप इसे क्या अपने हल्के हाथों से, हल्के फिंगर की मदद से आप इसे रब कर लेना। लेकिन क्या इसके बाद आपको कोई साबुन वगैरह, या अगर आप फेस पे लगा रहे तो फेस वॉश ना इस्तेमाल करें। अगर आप पूरे बॉडी पे यूज़ कर रहे हो तो साबुन ना लगाए, ये अपने आप में ही एक क्लिंजर का काम कर देगा। तो ये देखिए मेरे हाथ, मैंने इसे वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं एक यूज़ में इतना डिफरेंस नज़र आया है। जब आप इसे रोज़ यूज़ करोगे तो आपको और भी कितना डिफरेंस नज़र आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।